बिहार वालों का केला इतने इतने बहुत छोटे हैं केला यहाँ पे यार, हैं दिखाएंगे चल के एकदम ठीक है। मैं तो खाऊंगा भाई, रोड ही नहीं समझ में आ रही है, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कहीं भी चले जाओ बिहार में, हर जगह आपको जो है कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा भाई। ये है बिहार, असली बिहार भाई। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि असली बिहार क्या है। देखो, अरे यार भाई, डेवलपमेंट डेवलपमेंट के नाम पे जीरो लग रहा है, हैं? पटना जंक्शन तो आ गए हम लोग। अरे दानापुर भाई, ये है पटना जंक्शन। और मैंने नहीं सोचा था कि बिहार की राजधानी का जंक्शन कुछ ऐसा होगा भाई। मैं निशब्द हो गया यहाँ पे आके, निशब्द हो गया यार भाई, कोई व्यवस्था ही नहीं है भाई, जीरो व्यवस्था। और ये राजधानी का जंक्शन है यार, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या है, मैं कहाँ आ गया। भाई राजन का आइडिया था कि पटना जंक्शन से निकल के सीधे आ जाओ राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो भाई मैं इसका आइडिया मान नहीं रहा था, लेकिन इसका आइडिया भाई काम करा। वहाँ पे तो इतना रश था कि भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, और यहाँ पे इतना सुकून है भाई। कह रहा है कोई अगर एरोप्लेन से लेके आए ना बिहार पटना, तब भी नहीं आएंगे भाई, आएंगे तो हम भी नहीं। स्टेशन देखो, स्टेशन भाई क्या नज़ारा है यार, दिखाएं स्टेशन, ये देखो भाई वहाँ से शुरू हुआ है। रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये है बिहार की सुंदरता, ये है बिहार की सुंदरता। मुझे लगा था कि पटना जंक्शन बहुत ही वीआईपी होगा, जस्ट लाइक अवर लखनऊ चारबाग, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं भाई। तो भाई ये लो, ये जा रही है वंदे भारत, क्या लग रही है भाई, एक नंबर यार। क्या था ये? सैनिटाइज कर दिया भाई, यूपी वाले सैनिटाइज करेंगे, यूपी वाले सैनिटाइज करो, गंदगी आ गई है, जंप आ गए हैं भाई। हमको पूरा दिन हो गया राजेंद्र नगर टर्मिनल में बैठे बैठे। व्यू देखो उधर से कितना अच्छा आ रहा है, तेजस खड़ी है ये, और ये जाने वाली है दिल्ली। अपनी जो ट्रेन है वो है रात के 12 बजे भाई, हमारा तो हालत ही खराब हो गया, रात के 12 बजे ट्रेन है हमारी, वहाँ से देखते हैं हम कैसे निकलते हैं। तब तक हमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उसके लिए हम लोग पहुँचेंगे भागलपुर। और से व्यू देखो, इधर से दिख रही है हमारी पटना सिटी, पटना सिटी कह सकते हैं इसको, राजेंद्र टर्मिनल में हम लोग, और यहाँ पे खड़ी है तेजस, अलग ही नज़ारा भाई, क्या नज़ारा आ रहा है यार। ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर होता है ना नेचर का, अलग ही मज़ा देता है। पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं बिहार में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वैसे बिहार के ब्लॉगर हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को आदमी स्टेशन पर बड़ा अलग निगाहों से देख रहा है। ये है इसका 3 टीयर, इसमें मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, जब मैं कटरा से वैष्णो देवी, वो दिल्ली से वैष्णो देवी गया था कटरा, तब मैंने इसमें ट्रैवल किया था। शाम का टाइम हो गया और मैं और भाई पी रहे हैं चाय। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फर्रुखाबाद से राजेंद्र नाथ टर्मिनल आऊँगा, राजेंद्र नगर टर्मिनल बिहार, और भाई के साथ चाय पीऊँगा। लेकिन कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। और भाई पूरा दिन बिता दिया मैंने यहाँ पे आज, पूरा दिन बिहार में। पटना जंक्शन पे इसलिए रुके क्योंकि मैंने बताया वहाँ पे बहुत रश था, उसकी क्लिप मैंने डाल दी है। यहाँ पे थोड़ा सुकून था, और अपनी जो ट्रेन है वो आएगी 12:05 कम पे। अभी हमारे पास नियर अबाउट कितने घंटे, 11:55 में ट्रेन आएगी, फिर उसमें बैठ के सफ़र करेंगे और जाएंगे भागलपुर तक। लेकिन व्यू बहुत बढ़िया है, पटना शांति है, पटना से शांति है, बहुत भीड़ है, मतलब बेतहाशा। तुम भाई मैथिली बोल लेते हो? आवेला लेकिन तनी तनी आवेला मर्दे जन लग ना। अरे भैया भीड़ तो है, पटना पे बहुत भीड़ है मर्दे, लेकिन यहाँ ना उतनी है, जन लग ना जन ला यहाँ देखे मजा, यहाँ बिहार का। अरे भाई, भाई ने मौसम बना दिया यार। गेट नंबर 3 से आज हम एंट्री कर रहे हैं, वैसे तो हम जाते थे लेकिन भाई के पेट में गैस बन गई है, बहुत तेज गैस यार, हालत खराब हो गया इनकी वजह से, हम सीढ़ी में चढ़ के जा रहे हैं। अरे भाई, अरे भाई, अगर गैस से दवाई ना ले। अरे भाई,
फाइनली भाई जो अपना सफर था ना फरुखाबाद से छपरा, जो किसी ने नहीं किया वो मैंने किया, लेकिन अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, आँखें नहीं खुल रही हैं। थोड़ा और आगे जाना है, भागलपुर तक जाना है आगे, और स्टेशनों पर जो भीड़ है ना वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है भाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना लंबा सफ़र मैं करूँगा। अभी टाइम हो रहा है 9, कल निकले थे 2:30 बजे। भाई ज़रा सा भी रेस्ट नहीं और कंटिन्यू ट्रैवलिंग, आँखें देखो भिचभिचा सी गई हैं। ट्रेन मेरी आ रही होगी, 12 बजे का टाइम है ट्रेन का, उसी ट्रेन से हम जाएंगे भागलपुर। तो भाई अभी हम जा रहे हैं बिहार की सबसे स्पेशल चीज़ खाने, और वो क्या है, लिट्टी चोखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने पूरा दिन ये वाले टर्मिनल पे, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे काट दिया। राजन की तो आँखें नहीं खुल रही, क्यों राजन भाई? बिल्कुल लॉस। मेरी तो आँखें भाई बिल्कुल ही बंद हो चुकी हैं। आओ लिट्टी चोखा खाते हैं भाई। अब बिहार आए और लिट्टी चोखा ना खाए, सतुआ ना पिए, तो क्या मतलब बैठे बा? बिहार की नेशनल ड्रिंक। हाँ लगा लिट्टी चोखा, वो लगा गया दोस्तों। मूव फास्ट मैन, मूव फास्ट, अपनी ट्रेन आती होगी रात के 12 बजे। मूव फास्ट मैन, आओ भाई सामने लगी लिट्टी चोखा, आओ खाते हैं। कैसी दे रहे हो भैया? एक प्लेट में कितने हैं? लगा दो प्लेट। तो भाई लिट्टी चोखा खा रहे हैं हम बिहार का, पूरे दिन की थकान हम मिटाएंगे लिट्टी चोखा। सतुआ कहाँ मिलेगा भैया? सतुआ मामला लेट हो गया, लाओ भैया चम्मच चम्मच दे दे महाराज कुछ। तो ये आ गई भाई अपनी लिट्टी चोखा इन प्योरली बिहार, प्योरली। आप एक और ले लें? और त्रिवेदी लिट्टी चोखा कैसा लग रहा है? अरे पहले खा तो लें यार, देख। राजेंद्र नगर का यार, अपने इसमें घी लगाते थे, बोले लगा इसमें घी यार है। सूखा सूखा सा है, ठीक है यार, मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा काम चला हुआ अपना, नहीं सब्जी अब्जी बड़ी वैसी होती थी, घी लगाते थे। अब प्योरली बिहार हमको ये खाना पड़ रहा, प्योरली बिहार में सर। नॉट गुड, नॉट गुड, मजा नहीं आया। हम खा चुके हैं रात का खाना और अभी टाइम हो रहा है 10। अब हमारी जो ट्रेन है ना उसमें बैठ के हम सीधे जाएंगे भागलपुर, और भागलपुर का व्यू दिखाएंगे आपको हम। ट्रेन आ गई है, एक रश देखो भाई कितना ज़्यादा है, और जिससे मुझे जाना है पता नहीं उसमें कितना रश होगा, तो समझ में नहीं आ रहा। ये डोर अभी ओपन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। लोगों ने पूरा दिन बिता दिया इसमें, शयनयान श्रेणी प्रतीक्षालय में पूरा दिन। और ट्रेन आ गई है भाई, क्या कर रहे हैं? रश जो है चालू हो गया है, और ये ट्रेन यहाँ से जाएगी 12 बजे, और इस ट्रेन में हम भी बैठेंगे। अच्छा जूम करके दिखाएं, वाह रे वाह गुरु, तुम भी होशियार हो गए। चलो भाई हम भी जाएंगे S6 में। अरे चल ले राजन, अभी यार देखो अपनी सीट तो है ना जिंदा। कभी नहीं सोचा था कि हम भागलपुर आएंगे, और ये लो भागलपुर जंक्शन। भीड़ भाई हो चुकी है ज़बरदस्त, सुबह का बज रहा है 4:30। ये कहो स्लीपर में कंफर्म हो गया था मामला तो हम चले आए, वरना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता भाई। चलो भाई अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भागलपुर के। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ बोलने की पढ़ाई होते हुए। ओह माय गॉड मैन, राजन ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये है भीड़ स्टेशन पे भागलपुर के। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम लोग को सीट मिल गई। यहाँ लेटना नहीं, हाँ
यहाँ लेटना नहीं पड़ा है, वरना मामला बहुत खराब हो जाता है। भीड़ देख भाई, वहाँ तक निगाह जा रही है ना, वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है और ठंड तो इतनी पड़ी हुई है ना यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। राजेंद्र नगर बिहार 2 बांका इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। Train number 1, 3, 2, 4, 2 from Rajendra Nagar, Bihar 2, Banka.